أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مؤمن كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو अल्लाह का एहतराम कीजिए, अल्लाह की परवाह कीजिए, अल्लाह की नेमतों से गलत फ़ायदा मत उठाइए। यही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम है कि अपने रब की नेमतों से उसकी मासियत न करने पालने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आल। अज़ीज़ गिरामी, मौजूदा सूरत हाल को नज़र में रखते हुए दोनों खुतबों में आपके लिए कुछ नुकात पेश करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा कि जो हक़ बात है, जो ज़रूरी बात है, वो मैं बेहतर अंदाज में बयान कर सकूँ। इंसान के लिए मासूम फरमाते हैं कि वतन की मोहब्बत ईमान के हिस्सों में से है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्यों वतन की मोहब्बत ईमान के हिस्सों में से, जैसे सफाई ईमान के हिस्सों में से। देखें, जहाँ इंसान पैदा होता है वहाँ की मिट्टी उसे ग़िज़ा देती है, उसे अमन देती है, उसे इत्मीनान देती है। और मासूम का ये कौल भी है कि खुद खुशकिस्मत है वो शख्स कि जो अपने ही वतन में पाक पाकीज़ा हलाल रोज़ी पा सके। अब आपने आपको खुशकिस्मत समझ रहे या नहीं समझ रहे? इसी के जो बाहर जाते हैं अल्लाह उनकी मदद करे, उनकी मुश्किल को आसान करे, बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। सख्तियाँ और मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप जुमा नमाज में आए, वहाँ से बस से उतरे, वहाँ से चल के आए, जहाँ से बस में बैठे थे, सख्ती है, मुश्किल है। लेकिन जब आप घर जाएंगे तो आपके बीवी, आपके बच्चे इत्मीनान का बाइस बनेंगे। हमारे अक्सर पाकिस्तानी जो बाहर काम करने गए हैं उनकी फैमिलीज़ अक्सर उनके साथ नहीं हैं। मेरे ख़ुद वाले साहब अबू धाबी में तकरीबन 10 साल खिदमत करते रहे। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने बहरहाल जिक्र करने में हर्ज नहीं है, शायद उनको ड्यूटी दी हुई थी कि वहाँ पर गम हुसैन नहीं मनाया जाता, ग़ुलाम हुसैन तुम वहीं चले जाओ ताकि हुसैन की ग़ुलामी का हक़ अदा हो सके। हमारे लिए सआदत है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं अगर अपनी खुशकिस्मती बयान करूँ तो दो तीन खुतबे नज़र आएंगे, बस एक जुमला कहता हूँ, पालने वाले तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी भी महरूमी की मगफ़रत करे, हमारे महरूमी की मगफ़रत करे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो जब बाहर इंसान जाता है काम करने के लिए, अक्सर हमारे यहाँ जो इस वक्त है वो फैमिली को यहीं छोड़ के जाता है और ख़ुद बाहर जाके मेहनत, मजदूरी, मशक्क़त। और वाकई हमने उनके, क्योंकि वाले साहब डॉक्टर थे तो फिर अपनाइयत के साथ सब चलते थे, तो हम उनके उन घरों में जाते थे जहाँ पर वो रहते थे और जो उनके हालात होते थे बाद में भी। तो ये बड़ी अजियत की बात है कि इंसान मुल्क से बाहर जाए, अपने घर वालों से पता चला आज फलां का इंतकाल हो गया, अकेले बैठे, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, आज बेटी बीमार हो गई, कोई मदद करने वाला। तो ये नेमत है जिस पर आपको शुक्र करना वाजिब है।
तो मट्टी जो है, जमीन जो है, आपका वतन जो है, वो आपकी माँ की हैसियत रखता है। ये मेरा जुमला आज हालात को नज़र में देखकर मैं आते आते सोच रहा था कि मैं उमूमी गुफ्तगू करूँ या फिर अपने मौक़िफ़ को वाज़े करूँ। और इसीलिए मिट्टी से वफादारी इंसान की फितरत में होती है, फितरत में। आप अपने पाकिस्तान का नाम कहीं जाकर, अब क्योंकि बॉर्डर्स बन गए इस वजह से मजबूरी है, वरना जब बॉर्डर्स नहीं थे तब भी जहाँ के थे हुजूर अकरम मक्का के थे, उनका ननियाल मदीना का था, मोहब्बत थी। तो हम अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि यही मादर वतन, यही मिट्टी जो है हमें ग़ज़ा फराहम करती है, हमें बहुत से ज़िंदगी के फ़वाद फराहम करती है। फिर ज़ाहिर सिस्टम बनता है अमन इत्मीनान, फिर अगर वो सिस्टम अच्छी तरह चलता रहे तो ज़िंदगी और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती है। हम अपने पाकिस्तान के बारे में जब सोचते हैं या जब सुनते हैं या बोलते हैं, तो पाकिस्तान दुनिया के अजूबों में से है, और पाकिस्तान अहले बैत अलैहिस्सलाम के मोजज़ों में से है। मैं इससे करबला की अहमियत कम नहीं कर रहा, मैं इससे नजफ़ की अहमियत कम नहीं कर रहा, मैं अपनी बात से मदीना मुनव्वरा की अहमियत कम नहीं कर रहा, लेकिन नहीं मालूम क्यों मैं महसूस करता हूँ कि हम अपने वतन को बिल्कुल अहमियत नहीं देते और अपने वतन के बुज़ुर्गों को भी अहमियत नहीं देते हैं। मैं वतन परस्ती बमाने ये कि भाई बस बाकी सब गलत और हम सही, इस पे बात नहीं कर रहा। हमें अपने वतन से, ख़ासकर पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है? और जो बाज़ लोग बातें करते हैं, मैं उनको भी नसीहत करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात में कोई झोल है, आपका खादिम बैठता है, सुनता है आपकी बात। देखें, इसके बनने के बारे में न 14 अगस्त है, न 23 मार्च है, न 6 सितंबर है, लेकिन मैं हालात को जो होते देख रहा हूँ और मेरे कायद की तरफ से जो चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि नादानियाँ बढ़ रही। खैर, पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया ताकि मुसलमानों की एक ऐसी सरजमीन हो जहाँ पर वो आज़ादी से अपनी इबादतों को अंजाम दे सके। और कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी ऐलान कर दिया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी उनका हक है, जब तक पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते तुम कर सकते। अगर 75 साल पहले किसी को ये एहसास नहीं था, तो आज हम इस एहसास के साथ अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। मीडिया जहाँ फ़ायदा पहुँचाता है वहाँ नुकसान भी पहुँचाता है। मीडिया ने ये हमें याद ही नहीं दिलाया कि हिंदुस्तान में, गुजरात में, दूर की बात छोड़ दीजिए, बाबरी मस्जिद की बात छोड़ दीजिए, गुजरात में 2000 लोगों को जिंदा जलाया, मुसलमानों को सॉरी जिंदा जलाया, जो उन्होंने अपने हिंदुओं को भी जलाया, किसी एक जो बहाना बनाया वो भी उन्होंने खुद ड्रामा किया, तहकीकात बता देती। आज तारीख, बहरहाल अच्छा है, एक चीज़ अल्लाह ने और भी जहन में डाल दी, आज तारीख यजीद पर लानत करवाती है और गैर मुस्लिम हुसैन को अलैहिस्सलाम सलाम, इंसानियत का दर्द रखने वाला और उसकी मुश्किल को हल करने वाला। मेरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह डॉक्टर सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब ने मुझे, गुफ्तगू हो रही थी तो एक मकतूब दिया, और उस मकतूब को जब मैंने हाथ में लिया, बात कहीं चली गई लेकिन बात तो है, अंग्रेज़ी में 250 सफ़े थे। 1993 में एक
रिसर्च स्कॉलर अंग्रेज, मतलब मेरा मतलब गैर मुस्लिम, वो अंग्रेज ज़बान से निकल जाता है, मैं इसको पसंद नहीं करता, लेकिन एक गैर मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर 9 मुहर्रम को पिंडी के राजा बाजार पे अपने दोस्त के साथ जाता है और देखता है कि कुछ लोग पानी पिला रहे हैं, और फिर देखता है कि ब्लैक एंड रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, फिर उसने देखा कि कुछ लोग मातम कर रहे हैं, कुछ लोग हाथ का मातम कर रहे हैं, और पूरा उसने जुलूस का समा बयान किया, जुलजना की बात की, सब की। तो मैंने अपने दोस्त, उसका जो रिसर्च स्कॉलर दोस्त था जो उसको वहाँ लेकर गया था, कहा ये क्या हो रहा है? कहा ये ग्रैंड प्रॉफिट, इस्लाम के जो सबसे बड़े प्रॉफिट थे रसूल अकरम, उनके ग्रैंड सन का गम मना रहे हैं। कहा कब कब ये वाकया हुआ? उसने कहा 1400 साल पहले हुआ। वो कहता है मैं हैरान हो गया, 1400 साल पहले। जैसे मछली के बारे में मैंने बताया था कि जब फ्रांस की एक खातून गई तो उन्होंने कहा अच्छा, ये हैरान हो गया, बोले 1400 साल पहले, लेकिन ये तो इस तरह गम मना रहे जैसे अभी वो दफना के। अब अल्फाज मेरे मफहूम उसका है। फिर उसने देखा कि कुछ लोगों के पीठ पे खून वगैरह भी था, तो उसने पूछा कि तुम लोगों को दर्द वगैरह नहीं होता? उसने कहा किस चीज़ का दर्द? ये जो सब किया, बोले हमें तो नहीं पता। और फिर उसने उस पर तहकीक की किसी और रिसर्च स्कॉलर ने, तो उसने बताया, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, ये भी मेरे पॉइंट का हिस्सा बन गया। उसने जिसने दूसरे रिसर्च की थी, उसकी किताब अमेज़ॉन पे है, उसने लिखा है कि मैंने ये जंजीरों और मातम करने वालों से सवाल किए, अक्सरियत काते ने बताया कि हमें तो महसूस नहीं होता कि दर्द क्या होता है। उसने कहा ये मेरे जहन पर इतनी ज़बरदस्त, अब मैं अल्फाज मेरे चाबुक पड़ी, मैंने सोचना शुरू किया कि कितनी बड़ी हस्ती थी और शिया इस्लाम के अंदर उसको कितना बड़ा मकाम मिला, कि मैं तो समझा था अभी का कोई वाकया है, लेकिन 1400 साल मतलब जो भी उस वक्त प्लस माइनस, और आज भी ये ऐसे ही गम मनाते हैं। जैसे उसने तहकीक की तो 150 वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, वेस्ट का लफ्ज़ भी गलत है, 150 नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मैं वेस्ट को भी कभी समझाऊंगा, मैं वेस्ट और ईस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहता, और अलहम्दुलिल्लाह मेरा जवान मेरी बात को फौरन पकड़ता है, अच्छा है। उन नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स ने 150 ने रिसर्च की है, और उस रिसर्च में 3-4 के अलावा कि जिन्होंने कहा कि नहीं, 2 शहजादों की जंग थी, एक इंटरनल मैटर था, वो हो गया, अक्सरियत काते ने ये बात लिखी है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। और वो हक पे थे, और जो 3-4 या 5 लोगों ने वो बात की है कि यजीद का इसमें कोई कंसर्न नहीं था, अब ये मुसलमान नहीं कह रहा है, इंशाल्लाह इस किताब को देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि जिन्होंने ये लिखा है कि मसलन हुसैन और यजीद की कोई जंग नहीं थी, हुसैन का कुछ लोगों से टाकरा हो गया था, तो उसने कहा कि अगर हुसैन और यजीद की जंग नहीं थी, तो फिर जब रसूल के नवासे का सर शाम पहुंचा तो उसने बेदबी क्यों की? देखें चीज़ें कहां से कहां पहुंचती। फिर मैंने अपने रिसर्च स्कॉलर्स जो ज़हर एकेडमी में, उनको बुला के कहा, मैंने कहा इस पर तो रिसर्च करो ना कि यजीद ने कौन कौन सी गलतियाँ की कि हुसैन का पैगाम और ऊपर चला गया। वे ख़वातीन को आज़ाद कर देता, कूफे में कैद करके बंद कर दे। चले तो अब ये चीज़ क्या बताती है कि आप ही की सरजमीन से तहकीकात का एक सिलसिला शुरू होता है और वो करबला पर तहकीक करता है। तो मैं पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत बना, वरना हम अलग अलग इलाकों में होते, और जो बीजेपी आजकल और हिंदुआटा आजकल काम कर रही है, हमारे क्या हाल होते, क्या हशर होते, मुझे पता नहीं है। और ख़ासकर इस जैसा शख्स दुनिया की आंखें बंद है, अंधी है दुनिया,
कि जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया था अमेरिका ने, उसको गले लगाया। क्यों? इसलिए कि अब दो ही महाज हैं, या हुसैनियत का महाज है या यजीदियत का महाज है। मैं आपको ये बात वाजे कह दूं कि जितना शुक्र करें कम है। हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, हमारे आशूरा के शहदा का कुछ पता ही नहीं चला कातिल कौन है, हमारे अरबईन, हमारे किसी शहीद का कुछ पता नहीं चला। वो हमारा तलब है इस ज़मीन से, इस मुल्क से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम इस ज़मीन और इस मुल्क के। हमारे कायद ने यही फरमाया, सौ सौ जनाजे क्वेटा में पड़े थे, लेकिन हमने प्यारे सरजमीन मुल्क पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी। इत्तेहाद मिल मुस्लिमीन का एक पौधा लगाया जो आज दरख्त बना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इत्तेहाद मिल मुस्लिमीन की जो बुनियाद है वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने डलवाई थी। उन्होंने उस वक्त भी इस बात को सराहा था, और आज भी मैं ये कह दूँ कि हम मकतब की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम अपने हक़ से दरगुजर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खुदा न खास्ता मुल्क के ख़िलाफ़ होने वाले साजिश का साथ भी देंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपनी आइंदा की नस्लों को, देखें 14 अगस्त को ना बच्चे परचम चला लिए, थोड़ा खुशी मना ली, ये काफ़ी नहीं है। हुकूमत से भी दरख्वास्त है, ज़िम्मेदारों से भी दरख्वास्त है, इस मुल्क की अहमियत को जाने। 3 या 2 जुमे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये मुसलमानों की बैकबोन है। फलस्तीन आपकी तरफ देखते हैं, यमनी आपकी तरफ देखते हैं, शाम वाले आपकी तरफ देखते हैं, दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं वो आपकी तरफ देखते हैं। ये अलग बात है कि हुकूमत साजिश करके और चीज़ों को गलत डायरेक्शन में डाल देती है, इसमें मुल्क का कोई कसूर नहीं है। और हमें इस बात को याद रखना होगा कि जितनी मजहबी आज़ादी अल्लाह सुबहान व तआला के फजल से हमें यहाँ पर मिली हुई है, इतनी और जगहों पर नहीं है। और जो आपने उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस करके इत्तेहाद और वहदत का पैगाम दिया है, उसने उन लोगों को बिल्कुल ही पंचर कर दिया है कि जो मकतब के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। और आपकी ये मजबूती पाकिस्तान के लिए मजबूती है, और इंशाअल्लाह मकतब के चाहने वाले इस मुल्क को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। पालने वाले तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, इस प्यारे मुल्क को अमन का गहवारा बना। हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका और जो जो सहयोगी ताकतें पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ साजिश करें, इन्हें नाबूद फरमा दें। हमारे नादानों को अकल के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाएं। पालने वाले इन मुश्किल तरीन हालात में हमारे मुल्क पे मौजजा करके इसे अमन का गहवारा बना। ऐ रब्बुल इज़्ज़त मरहूमीन की मगफरत फरमा, बीमारों को शफाए कामिल अता फरमा, बेगुनाह असीरों को आज़ाद फरमा, हमारी मौत को अहले बैत की मोहब्बत पर करार दे, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीउल अज़ीम। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم। مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے। اپنی عبادتوں کو اور بھی بہتر کیجئے, عبادتوں سے لذت حاصل کیجئے, اور اپنی آخرت کا سرمایہ آمادہ کیجئے। درود پڑھ دیں محمد والے اللہ سب سے پہلے عرض کر دوں کہ خدا کے واسطے ناک میں پانی ڈالنا بند کر دیجئے, موتوں پہ موتیں ہو رہی ہیں। एक एमीबा है नलगेरिया करके, ये पानी के ज़रिए चला जाता है। स्विमिंग पूल में मत जाइए क्योंकि क्लोरीन की तादाद मकदार कम होती है। और मुसलसल हर रोज़ मैं, क्योंकि इसको फॉलो करता हूँ अपना पुराना मेडिकल रिकॉर्ड सही रखने के लिए, ये ख़तरनाक चीज़ है।
अगर नाक में पानी किसी ज़माने में डालना मुस्तहब था, फ़ेलन आप इस काम को मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये पानी के ज़रिए नाक और नाक के ज़रिए दिमाग मग्ज़ पे चढ़ा जाता है और मग्ज़ को खाना शुरू कर देता है। 3 दिन के अंदर इंसान फारिग हो जाता है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। ईरान में शाह शिराज में शाह चिराग रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बहुत ही ख़तरनाक है, हसास है। और मैं ईरानी ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि जब मस्जिद मुक़द्दस में 3 उलमा के साथ वाक़या हुआ था तो उस वक्त आपको ज़रा ज़्यादा तवज्जो करनी थी। और आपको तो पता है मकतब तशय्यो कहीं भी अमन से नहीं रहेगा। आपको हम अपनी मस्जिद की भी सिक्योरिटी का ख्याल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कोशिश करना हमारा काम है। मैं ईरानी ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि इतना चीज़ों को आसान न लें। आपके ख़िलाफ़ यानी मकतब के ख़िलाफ़, ईरान से ज़ातन मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मकतब का एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पर रहता है इराक़ जैसे, कि खुदा रहा होशियार रहिए। ये बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा। और जिस तरह से दुनिया वालों ने फ़लस्तीन में अमरीकी निजात एक न्यूज़ रिपोर्टर थी मारी गई, तो किसी की कोई तवज्जो ही नहीं हुई और महसा अमीनी के लिए इतना बड़ा हुआ। ये आप लोगों की और हमारी आंख खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, एहतियात करना है। इसलिए कि मसला मकतब का है, मसला मुल्क का नहीं है। इससे आगे फैलन बोलने से गुरेज करता हूँ। पहले वाले मोमिनीन की जान मालाबुल की हिफाजत फरमा। दूर पर गिलगित बल्तिस्तान में के बारे में हिंदुस्तान के एक वज़ीर ने हर्जा सराई की है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा बना के चैन का सांस लेंगे। मैं पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों और गैर ज़िम्मेदारों दोनों से कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की गैर अवाम ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को नज़रअंदाज करोगे तो इंसान इंसान है। और फिर जैसे पानी अपना रास्ता अपनाता है, फितरत भी अपना रास्ता अपनाती है। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हमारे गिलगित बल्तिस्तान के भाई बहन बच्चे बड़े नाराज़ हों और फिर एक नई मुश्किल हो। जो आपके साथ मिलना चाहता है उसको आप धक्का देते हैं। और पाकिस्तान में भी किसी ने कोई एक और प्लान किया है, मैं उसको कुछ अभी कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा बन चुका है। अब आप उसे आइनी हुकूक दें या ना दें, हम उसे पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और इंशाल्लाह उसके दिफा के लिए पूरी कोशिश करेंगे। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। अब हम आते हैं अरशद शरीफ कत्ल केस के बारे में। बेदर्दी से उसकी जान ली गई। बहुत कुछ आपने सुना और बहुत कुछ सुनेंगे और बहुत कुछ देखेंगे और होगा। हमारा काम लोगों की तवज्जो दिलाना है और वो ये है कि क्योंकि इस वक्त माइंडसेट ये बना हुआ है कि मसलन ये सब फरिश्ते हैं और वो सब शैतान हैं। अब मैं नहीं कह रहा कौन, और वो सब मसलन न्यूट्रल हैं और फरिश्ते शैतानों की तरफ, फिर वो उसकी तरफ, वो उसकी तरफ। मेरा नज़रिया ये है कि ये तीनों मिल बैठ के चौथी तरफ देखें कि वो कौन सा शैतान है जिसने ये काम किया है। न हुकूमत से मोहब्बत है, न ऑपोजिशन से नफरत है, न फौज को हमें कुछ कहना है, लेकिन जो मैंने पहला खुतबा दिया वो इसलिए दिया है, कुछ पता नहीं चला और इन्होंने उस पर, उन्होंने उस पर, उन्होंने उस पर। ये पढ़े लिखे समझदार लोगों का तरीका नहीं है। फौरी तौर पर एक बैठक होती तीनों तरफ, हुकूमत, ऑपोजिशन एजेंसीज या रियासत जिसको कहा जाता है, बैठे फौरी तौर पर बैठ जाते। इतना सब शोर करने की क्या जरूरत है? वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अलग वो कर रहा है, वो अलग वो कर रहा है। और एक अजीब, भाई तुम सब पाकिस्तानी हो और अगर दुश्मन हमला करता है तो ये देख के नहीं करता कि उस पर करूँगा उस पर, सब पे हमला करता है। हमें अफसोस है कि अरशद शरीफ का इस तरह से बेदर्दी से शहीद किया गया।
ठीक है, हम उसको शहीद कहने में हर्ज महसूस नहीं करते, इसलिए कि शहीदों की दो इस्तला, एक वो जो मकतब के शहीद है, एक वो जो मुल्क के लिए शहीद है। मैं आज भी नसीहत करता हूं, सब बैठ जाएं, अना को खत्म करें और सब मिलकर उस चौथे जो पड़ोस में रहते हैं उनकी तरफ देखकर तवज्जो करें। हो सकता है उन्होंने कोई खेल खेला हो, ताकि भाई उनका काम ही खेल खेलना है, ताकि पाकिस्तान को किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जा सके। इसलिए कि पिछले हफ्तों में जो नारे लगे हैं, जो तकरीरें हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, ये नारे लगाने वाले, ये तकरीर करने वाले समझते हैं कि उसकी वजह से कोई इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब आए या ना आए, मेरे मुल्क को नुकसान बहुत पहुंच रहा है और हम किसी की तरफ लिए बगैर अपने मुल्क की तरफ तवज्जो करके कहेंगे कि मुल्क मफाद इसमें। अगर लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं कीजिए, अपने आईनी हुकूक लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन खुदारा बोलने से पहले तो लो, तुम्हारा मफाद ज़्यादा अहम है या ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान ज़्यादा अहम है। मेरी नज़र में हम में से किसी के मफादात मुल्क से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, और ये लोग जो अनजाने में जानबूझकर जाहिलियत में हरकतें कर रहे हैं, इसका बहुत जल्दी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हल क्या है? सभी कह रहे हैं कि हर कोई अपने आईनी हुदूद में रहकर अपना काम करे। कुछ दिनों पहले फिर बात निकली थी कि जनाब, अब मैं बात थोड़ी सी टर्न कर रहा हूँ और फिर अपने खुतबे को नतीजे को पहुँचाऊँ कि जनाब वो मेंबरों से यूँ होता है और यूँ होता है, यूँ होता है, तो नई कानून साजी की जाए। कायदे मिलत जाफरी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, किसी नए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, जो हमने आगे तक पहुँचा दिया, सिर्फ इतना कर लें जो कानून है उस पर अमल पैरा हो जाए। ये नहीं हो सकता है, उसके लिए अमल दूसरे तरीके से होगा, उसके लिए अमल दूसरे तरीके से होगा, उसके लिए अमल नहीं। कानून जो जुमला अदा किया जाता है अंधा होता है, जाहिर है। फिर मौला कायनात की तरह दुश्मनियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ना। मौला कायनात को जो लोगों ने इतनी अज़ियत दी उसमें वजह क्या थी? वो कहते जो कानून है इस्लाम का उसके खिलाफ नहीं जाऊँगा मैं। वो हमारा फलां का फलां ख़ानदान का बड़ा है, होता रहे। लोग गए कूफा में, हुकूमत दे मौला कायनात, वो हमारे ख़ानदान की बड़ी खातून है, बड़ा आदमी है, वो हो गई उससे गलती, उसे माफ़ कर दें, हद जारी मत करें। मतलब देखेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, ज़ाहिरन कबीले बनी असद वाला वाक़िया इसी का है। इमाम हुसैन से कहा कि ज़रा आप सिफारिश कर दें कि सिफारिश के थोड़ी रियायत कर दें, वो कुछ पैसे लेकर दियत देकर। उन्होंने कहा कि बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा था देखते हैं। कहा तुम मुझे सिफारिश के लेकर जाओ, देखो वहाँ पर हद जारी हो गई होगी, मेरे बाबा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हज जारी करने में एक लहजा ताखीर को काबिल कबूल नहीं समझते हैं। जिसकी वीडियो आपने देखी कि कत्ल किया, वो आज़ाद हो गया, जब तक आप ब्रिटिश पीनल कोड पे चलेंगे नॉन, वो सिंध में नाजिम जोखियो जो वाक़या था, प्रेशर डाल के अगर लोगों को राज़ी करना है वो तो फिर कानून नहीं चलेगा ना, फिर तो मैं भी कर लूँ, आप भी कर लें, लेकिन मैं और आप करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जाइए ना जेल में, जितने भरे हुए हैं जेल में, मैं आपको बताता हूँ, आपकी तरफ से वहाँ पर सहरियाँ इफ्तारियाँ भी भेजते हैं और खाना भी न्याज भी भेजते हैं, उनका हक बनता है, हमें तो और भी करना चाहिए। अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ें की हुई और उनको बंद किया, बड़े बड़े खुले हैं आज़ाद। इस मुल्क को बचाना है,
तो निज़ाम अदल इस्लाम को कायम करना पड़ेगा उस तरह से जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बताया है। फिर आप देखिए ये मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता। एनडीएमए, मैं नहीं पूछ रहा, हैदराबाद में सिंध हाईकोर्ट का जो बेंच है वो पूछ रहा है कि तुमने जो रिपोर्ट जमा कराई है और हमारे जजेस ने जो बताया है सैराब जदगान के हालात के बारे में, खुदा की कसम आंसू है। रात को भी मैंने अपनी टीम को कहा भाई जो कर सकते हो और करो, मेरे पास तो लोगों के फ़ोन आते हैं मौलाना भूख से मर रहे हैं। और वाकई मैं तो नहीं कहता खुदा ने खास से झूठ बोलते, भाई 100 में एक आध बोलता होगा उसका मतलब है मैं 99 को झुटला दूँ। एनडीएमए और फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कहाँ डाला तुमने पैसा, कितना खाओगे? तुम रोड बना रहे हो, हमारा बच्चा हाथ से उठा के कहता है मौलाना देखिए ये रोड बना है। खा के तुम्हारा हशर हो जाएगा, कब्र में तुम्हें अजाब भुगतना पड़ेगा। इन मजलूमों की आवाज़ वहाँ जाने वाली है कि जिसके बारे में छठे इमाम ने फरमाया था मजलूम की आह से बचो, इसलिए कि दुनिया में जो दुआ सबसे पहले कबूल होती है वो मजलूम की आह है। सिंध हुकूमत, एनडीएमए, पीडीएमए, सब होश के नाखून लें। आप लोगों के मसाइल को कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। मैं छोटा सा दौरा करके शर्मिंदगी से वापस आ गया, मुझे शर्म आ रही थी लोगों के हालात देखकर और आंसू निकल रहे थे कि अल्लाह कैसे होगा क्या होगा। बहरहाल जो हमसे हो सके हम कोशिश कर रहे हैं, आप अपना हिस्सा डालेंगे और अगर आपके अकाउंटों में पैसा पक रहा होगा, यही आपका पैसा कुरान मजीद के बकौल कयामत के दिन फतुकवा बेहद जिबा हूँ वह जुनूब हूँ, तुम्हारी पीठों को और तुम्हारे कमरों को उसी सोने चांदी से मत बोलो कि करेंसी नोट है, उसी को अल्लाह सोना चांदी बना के गरम गरम लगाएगा। खबरदार इस मामले में अगर ज़रा भी कोताही की, कयामत में मैं आप पर हुज्जत तमाम करता हूँ। पालने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा, परेशानी को दूर फरमा, जहाँ जहाँ मोमिन हैं उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हमका गहवारा बना, इन साजिश अनसर को अक्ल के नाखून लेने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, हमारे बेगुनाहों के जिनके खून हुए उनके कातिलों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचा, हमारे लापता असीरों को आज़ाद फरमा। पालने वाले हमारे मरहूमिन शहदा के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अलैकुम सलाम, हमारी आकिबत बखैर फरमा, हमें अपनी नस्लों की इस्लाह की तौफीक अता फरमा दे। पालने वाले ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रा सयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीउल अज़ीम।